अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम करेंगे एक्सरसाइज थ्री बी। ठीक है, एक्सरसाइज थ्री में नंबर वन है हमारे पास ब्लैंक। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन की है, हमने सब्ट्रैक्शन की है। ठीक है, फ्रैक्शन में अब हमने क्या करें, मल्टीप्लिकेशन। अब जो नंबर वन ब्लैंक है हमारे पास, वो देखिए क्या है, 1/3 और 12। 1/3 ऑफ 12 क्या, कैसे लिखते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12। कटिंग होती है, ऊपर नीचे कटिंग करते हैं, क्रॉस भी कटिंग होती है, ऊपर नीचे कटिंग होती है, लेकिन आमने सामने क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 12। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं 4। ठीक है, हमारे पास 4 आंसर आ गया। सेकेंड ब्लैंक भी हमारे पास यही है, 3/5 मल्टीप्लाई 15/9। 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3 एंड 3 1 3। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। ठीक है, अब ये देखें, अब ये मैंने यहीं पे कटिंग की है, मैं आपको फिर बताती हूँ। ठीक है, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, 4 2 8, 4 1 4, 2 1 2। ठीक है, और 5 हमने लिख दिया, 2/5 आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए, इन दोनों का एलसीएम लिया, 7 और 14 का 14। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, 7/9 मल्टीप्लाई बाय 7/9 मल्टीप्लाई बाय 7/14। अब ये कटिंग नहीं होती है हमारे पास, ठीक है, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, अब लास्ट देखें, लास्ट में हमने क्या किया, ये आपस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब ये आपस में कटिंग नहीं हुई तो मल्टीप्लाई कर देंगे आमने सामने, 2 1 2, 3 5 15 मल्टीप्लाई, 2 4 8, 3 5 15। 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम आता है। ठीक है, 2 + 8 हमारे पास आ गया, 2 + 8/15, 10/15, 5 2 10, 5 3 15, आंसर आ गया 2/3। सिंपल, ठीक है, ये ब्लैंक्स आप लोगों ने इसको खुद से सॉल्व करके फिल कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। 1/6 और 1/4 इज 1/6। ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन बनती है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 1/6। तो ठीक है, 4 2 6, 1 1 10, 1/6 हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, सेकंड देखिए हमारे पास क्या है, 1/2। ठीक है, हमारे पास कितने पार्ट्स हुए, 2 हुए, 2 बॉक्सेस है ना। ठीक है, 1 1 पार्ट भी हुआ है हमारे पास, ये फ्रैक्शन में हमें डिवीजन बताई गई है। ठीक है, 2 हमारे पास नीचे में 2 और पार्ट कितने हुए, 1। ठीक है, और ये हमारे पास ट्रू है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद अब ये कटिंग आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, वो कह रहे कटिंग करने के बाद आंसर हमारे पास 4.9 आ रहा है, तो ये रॉन्ग है, ये मैंने किया है। ठीक है, खुद से रफ पे, अब आप लोग भी इसे खुद से करके भी करेंगे। ठीक है, हाफ ऑफ अ थर्ड इज 5, वो कह रहे हैं। ठीक है, थर्ड का हाफ क्या होता है, जो थर्ड पार्ट हो जाएगा उसका हाफ क्या होगा, 1/5, तो हमारे पास ट्रू है। ठीक है, सॉरी, ये फॉल्स है हमारे पास, 5/3 मेक्स 5/3। ठीक है, तो 5/3 ये ठीक है, ये ट्रू है, डी वाला फॉल्स है वहाँ फॉल्स लिखें, और ई वाला ट्रू है वहाँ ट्रू लिखें। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आप सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, 3 × 1 9। ठीक, वन अपॉइंट थ्री हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ 13/5, 5/9 एंड 3/65। अब तीनों में मल्टीप्लाई का साइन डाल के आपने कटिंग या मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने करनी है, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/15। ये आप लोग रफ कॉपी में खुद से कीजिएगा। ठीक है, अब सी हमारे पास 5/6 मल्टीप्लाई
सेवन अपॉइंट टेन प्लस वन अपॉइंट टू। अब जो ब्रैकेट है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फाइव अपॉइंट सिक्स के साथ कटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है वन। सब कुछ कट हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया वन, ठीक है। अब नंबर डी है, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। कैसे? सेवन थ्री ज़ार 21 और 21 में 4 किए 25 आ गया। इसी तरह 15 थ्री ज़ार 65, 45 और 45 में 3 प्लस करें 48, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। हम इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास आता है, जो आंसर आ रहा है उसमें हमारे पास नोमिनेटर के न्यूमिनेटर की वैल्यू बढ़ी है, और जब न्यूमिनेटर बढ़ा हो तो हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आया। अब सेवन अपन फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन इज इक्वल टू, ये देखें, फाइव वन ज़ार फाइव, फाइव टू ज़ार टेन, सेवन टू ज़ार 14, तो 14 आंसर आ गया। ठीक है, अब जो मैंने आपको इसी तरह बताए हैं कटिंग वाले, वो आप लोगों ने खुद कट करके देखना है कि ये सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास जो मैंने बताया वो नहीं कीजिएगा, ठीक है, और इसे कंप्लीट कीजिएगा, इसे बुक पे ही करना, कॉपी पे नहीं कीजिएगा।